नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में हमें कहा गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखें, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है और बीच में दो रकमें हैं, तो क्लियरली यहाँ पर जो सर्वसमिका यूज होगी वो होगी a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस सर्वसमिका को भी बच्चों आप याद रखना, यह सर्वसमिका इस प्रश्न में यूज हो रही है, यह 10th क्लास में भी आप इसको यूज करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, तो इसी सर्वसमिका का अभी हम प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। आइए देखते हैं, हमारे पास है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको a प्लस बी के साथ मिलाओ तो आप देख सकते हैं a किसके बराबर है, a किसके बराबर है 2x के बराबर, b किसके बराबर है 1 के बराबर। तो बस a की जगह 2x, b की जगह 1 हम पुट करते जाएंगे। a का क्यूब यानी a है 2x, तो 2x क्यूब नहीं बेटा, 2x का होल क्यूब, ये बात याद रखना। कई बच्चे 2x क्यूब लिख देते हैं, देखो a x नहीं है, a 2x है, तो a का क्यूब है तो 2x दोनों का क्यूब होगा, प्लस b क्यूब, b है 1 तो 1 का क्यूब, प्लस 3 इंटू a, a है 2x इंटू b है 1 इंटू ये ब्रैकेट a प्लस बी, a है 2x प्लस b है 1, इसे हम हल करेंगे। देखो ध्यान से, 2 का क्यूब होता है 2 दुनी 4 दुनी 8, x का क्यूब होगा x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 वो होगा 1 प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, इसे पहले गुना कर लेंगे, 3 दुनी 6 इंटू x, 6x इंटू 1 6x, और अंदर ब्रैकेट में है 2x प्लस 1। अब क्या होगा बच्चों, ये 6x इस 2x से पहले गुना होगा, उसके बाद इस 1 से गुना होगा। बहुत से सवाल हमने ऐसे पहले कर लिए, 8x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा साथ में, 1 ऐसे ही आ जाएगा साथ में, पहले 6x 2x से गुना होगा तो 6 दुनी 12 x गुना x एक्स स्क्वायर, प्लस 6x को 1 से गुना किया, 6 गुना 1 6 गुना x 6x, यह है x क्यूब, यह है 1, यह है x स्क्वायर, यह है 6x, इनमें से कोई भी रकम एक जैसी नहीं है, समान पद नहीं है किसी की, यहां x क्यूब है तो और कहीं x क्यूब नहीं है, यहां x स्क्वायर है और कहीं x स्क्वायर नहीं है, यहां x है और कहीं x नहीं है, ये 1 है बिना x वाली है और कोई बिना x वाली नहीं है, तो ये आपस में प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, लेकिन इस आंसर को हमें एक बार मॉडिफाई करके लिखना होता है। क्यों, क्योंकि हमने ये भी सीखा था कि x की सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आती है, उससे छोटी उसके बाद में, उससे छोटी उसके बाद में, सबसे छोटी सबसे बाद में, तो उस हिसाब से यहाँ 8x क्यूब सबसे पहले आएगा, लेकिन ये 1 पहले नहीं आएगा, x स्क्वायर, x की पावर 3 फिर x की पावर 2 वाली रकम आएगी, यानी आ गया 12x स्क्वायर, फिर आएगी x की पावर 1 वाली रकम यानी कि 6x, और अंत में आएगा ये बिना x वाली रकम 1। ये स्टेप पर भी काफी एग्जामिनर आपको नंबर दे देंगे, लेकिन आपको क्योंकि अच्छा गणित सीखना है तो ये बात याद रखिएगा कि x की सबसे बड़ी घात सबसे पहले, उससे छोटी घात उसके बाद में, सबसे छोटी घात सबसे बाद में, और उससे भी छोटी घात सबसे ही बाद में आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये सीखना था कि सर्वसमिका है a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसे इस प्रकार से हल करके हमने ये प्रसारित रूप में लिख दिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और इसके बाकी भाग देखने के लिए मेरे बाकी वीडियोस को आप देखिएगा। धन्यवाद।